सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। 29 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे, टीचर्स नेम लिख लेंगे। टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। वी ऑल नो दैट वी एंड आवर सिबलिंग गेट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम देयर मदर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम देयर फादर। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। टू अंडरस्टैंड दिस वी अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इसको जानने के लिए हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझते हैं। फर्टिलाइजेशन को कहते हैं बच्चों निषेचन हिंदी में। फर्टिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट्स ओवम फ्रॉम मदर। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये दो प्रकार से होता है। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल जिमेट्स एंड फीमेल जिमेट्स टेक प्लेस इन साइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, हैन, कैट, डॉग। वह निषेचन प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी आदि। सेकेंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल जेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, टोट्स एटसेट्रा। वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। इन सच केसेस फीमेल लेज 100 सोफेक्स। इस प्रक्रम में नर और मादा क्या करते हैं, कई सौ अंडे देते हैं। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एग्स, और जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। एज द एग आर लेड द मैट डिपॉजिट स्पर्म ओवर दैम, जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते रहते हैं। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, जैसे स्पर्म्स शुक्राणु अंडे की कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसकी संपर्क में आते हैं, द रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, तो क्या होने लगता है, उसके फलस्वरूप निषेचन होने लगता है, फर्टिलाइजेशन होने लगता है। हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यहाँ पर फीमेल बॉडी के बाहर मतलब मादा शरीर के बाहर पानी में ही निषेचन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल्स, और इस प्रकार का जो निषेचन होता है वो जलीय जंतुओं में होता है। हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी जो परखनली शिशु होते हैं उनके बारे में सुना है। इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। सच वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ऐसी स्त्रियाँ शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। ड्यू टू ब्लॉकिंग दे कैन नॉट रीच द एग, और निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। इन सच सिचुएशन डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंडाणु और शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन मतलब शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन
करने के लिए, ठीक है. इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर देन जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर ए अबाउट ए वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस. अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माँ के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है. यू विल नो मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास. आप इसके बारे में और अधिक बड़ी क्लास में सीखेंगे, ठीक है. कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन मदर्स यूटरस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी. और इसमें शिशु का जन्म बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे सामान्य शिशु का जन्म होता है, ठीक है. पूरा उसका विकास भी उसी तरह से होता है. बेबीज बॉर्न विद दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज. इस तकनीक द्वारा जन्मे बच्चे को परख नली शिशु कहते हैं. मिसकंसेप्शन मिथ्या, जो कि बिल्कुल भ्रम होता है, झूठ होता है. टेस्ट ट्यूब बेबीज आर नॉट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, कि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. तो अभी हमने हेडिंग देखी थी, हम यहीं से लिखेंगे अपना आंसर फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालकर. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट्स ओवम फ्रॉम मदर. यहाँ तक लिखेंगे आप. क्या होता है फर्टिलाइजेशन? जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया होती है आपस में, तो इसे, इस क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सेकंड, इसी में एक और क्वेश्चन है बच्चों कि इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्लेस ऑकर. तो विच पार्ट काट देंगे आप, ठीक है. विच पार्ट की जगह, सॉरी, विच पार्ट काट देंगे, विच पार्ट की जगह आप लिखेंगे फेलोपियन ट्यूब, और इनके बाद आप लिख देंगे फेलोपियन ट्यूब. इन फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्लेस प्रोसेस ऑकर, ये लिखेंगे आप. विच पार्ट काट के फेलोपियन ट्यूब लिखना है, बाकी क्वेश्चन सेम आंसर में रहेगा. क्वेश्चन नंबर टू है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसका आप बिल्कुल यहाँ से लिख देंगे. देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डाल के लिखेंगे. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल ह्यूमन, काओ, हैन, कैट, डॉग, और फिर एक्सटर्नल की भी ये देखिए पूरी डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग. अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, फिल इन द ब्लैंक्स. तो देखिए, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन कहलाता है. क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन कहलाता है. सेकंड है, इन काओ एंड ह्यूमन, गाय और ह्यूमन में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल. तो फर्टिलाइजेशन काट देंगे, बस इंटरनल आएगा यहाँ पर, यहाँ पर इंटरनल आएगा सेकंड में, यहाँ सेकंड ब्लैंक में, ठीक है. थर्ड है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजली टेक्स प्लेस इन, यहाँ आएगा एक्वेटिक एनिमल, जलिए जीवों में होता है, जलीय जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जंतु, उनमें होता है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ. तो इसका आंसर लिखेंगे आप. इसका आंसर देखिए, बस ये लिख देंगे आप आंसर नंबर फोर में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्वेश्चन में से ही बस ये और लिख देना आप, द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.